विंटर का टाइम स्टार्ट हो गया है हर एरिया में, तो आपके स्किन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गए होंगे। विंटर हो, समर हो, मॉनसून हो या स्प्रिंग सीजन हो, सारे सीजन में आपके स्किन के हर टाइप के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते ही हैं। विंटर में मेनली हमारा स्किन जो है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं रखता, एकदम रूखा सूखा टाइप लगता है, और जिसकी वजह से आपका जो कलर है वो डार्क बहुत ज़्यादा दिखता है। टैनिंग की वजह से हो सकती है, यह बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम पानी बहुत कम पीते हैं, इस वजह से भी हमारा स्किन का कलर जो है वो डार्क दिखने लगता है। तो पानी तो सबसे ज़्यादा आप पीजिए ही, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट ब्राइटनिंग चाहिए और अगर आप अपना कलर वापस लाना चाहते हो तो बहुत इजी पैक, मैंने 3 पैक्स बताए हैं जो आपको सूटेबल हो या जो इंग्रेडिएंट आपके पास हो तो उससे आप बना सकते हो इजीली। एंड दो दो इंग्रेडिएंट के साथ ही मैंने बताया है, दोनों इंग्रेडिएंट आपको हेल्प करेगा मॉइस्चराइज करने में, हाइड्रेटेड रखेगा जिसके वजह से, एंड आपका जो स्किन का कलर डार्क हो चुका है उसको लाइटन अप करने में हेल्प करेगा। यही दो मेरा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट पैक जो कि है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है जो कि फुल फैट है, एंड उसके साथ अम्बा हल्दी एंड बहुत सारा हनी, इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं अपने फेस पे लगाया है, विंटर का टाइम चल रहा है तो बस मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है नॉर्मल पानी से। कोई ज़रूरत नहीं है आपको वार्म वाटर ही यूज़ करना है, वार्म वाटर से भी आपका स्किन का जो कलर है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। हमेशा ही आप प्रिफ़र कीजिए अपने स्किन पे जो नॉर्मल पानी है वही लगाइए। गर्मियों के टाइम पे आप देखते होंगे आइस क्यूब से आपका स्किन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है, आपका स्किन बहुत ज़्यादा रेडिएंट आ जाती है आपके स्किन पे जब भी आप आइस क्यूब्स रब करते हो। तो उसी तरीके से विंटर के टाइम पे अपने स्किन पे प्लीज़ वार्म वाटर यूज़ मत कीजिए, जितना बर्दाश्त हो सके आप नॉर्मल पानी ही यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी, और इस सारे पैक्स को 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि विंटर का टाइम है। मैं बार बार कह रही हूँ आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी रखना है। तो यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, कच्चा मिल्क, हल्दी जो कि आपको लाइटन अप करेगा, और मॉइस्चराइज के लिए आप यहाँ पे हनी यूज़ कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। अगर आपके पास क्रीम अगर आप है तो क्रीम भी आप डायरेक्टली लगा सकते हो अपने स्किन पर, विप क्रीम जो आती है वो बिना फ्लेवर के और बिना शुगर के, वो अपने स्किन पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर लो एंड 2 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने फेस को कॉटन की मदद से अब पहले वाइप कर लीजिएगा एंड उसके बाद अपने फेस को वॉश कीजिएगा। फिर से मैं कह रही हूँ, पहले अपने फेस को कॉटन से वाइप कर लीजिएगा एंड उसके बाद फेस को वॉश कीजिएगा। अगर आपका ड्राई हो गया है फ़ैन के नीचे हो तो अपने फेस पे थोड़ा सा पानी स्प्रे कर लीजिए, अगर ड्राई नहीं हुआ तो डायरेक्टली कॉटन पैड से अपने फेस को वाइप कर लीजिए। उसके बाद पूरी अच्छी तरीके से वाइप हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए, वार्म वाटर मत यूज़ कीजिएगा। मेरा स्किन एकदम आप देख सकते हो कितना ग्लो अप आ चुकी है, तो ये पैक ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। सेकेंड पैक जो कि है कॉफ़ी पैक, और कॉफ़ी वाले बहुत सारे मैंने रिव्यू पहले ही देख के रखे हैं, बहुत सारे पैक फेस वॉश और बहुत सारे फेस स्क्रब्स के भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर 2 इंग्रेडिएंट लिए हैं जो कि है एक कॉफ़ी एंड दूसरा है हनी। कॉफ़ी आप सबको पता होगा इसमें एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है जिसके वजह से आपके स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का जो है ग्लो अप
ब्राइटन अप हेल्प करता है आपके स्किन को, एंड आपका स्किन का जो अगर कलर डार्क हो गया है तो उसको लाइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंटी टैनिंग प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट है। अगर आपको टैनिंग की वजह से आपका स्किन डार्क होने लगा है तो वो भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, और हनी आपको मॉइस्चराइज प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको घर पे बहुत ईजिली ही मिल जाएगी, और बहुत सिंपल पैक है। मैंने बहुत सारे कॉफ़ी के पहले भी वीडियोस बना रखे हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इससे मेरा स्किन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ग्लो अप करने लगता है, लाइटन अप हो जाती है। मेरा जो स्किन का कलर है वो मुझे वापस मिल जाता है, कोई मुझे ज़्यादा, मैं गोरी नहीं हो जाती हूँ। अगर जिसका जितना कलर है वो वापस से आ जाता है, कोई भी पैक लगाते हो या कोई भी कुछ लगाते हो, और एक दिन से ही आपको नहीं मिलेगा, 2 से 4 बार आप इसको यूज़ कीजिए तब आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा अपने पूरे फेस पे। और मैं अपने लिप्स एरिया पे भी लगा ली हूँ क्योंकि उससे लिप एरिया को भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, और ठंडियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चैप्ड लिप, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं विंटर के टाइम पे लिप्स पे। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, पहले अपने नेक एरिया पे आप एक बार पैच टेस्ट कर लीजिए। कोई भी इंग्रेडिएंट आपको एलर्जी दे सकती है आपके स्किन को, तो कोई भी चीज़ अगर आप लगाते हो फर्स्ट यूज़ तो पैच टेस्ट ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद मैंने जैसे पहले पैक में बताया था, अगर आपका स्किन ड्राई हो गया 2 मिनट में तो आप पहले थोड़ा सा स्किन पे थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए वाटर या रोज़ वाटर, और नहीं तो सिंपल वाटर भी, एंड उसके बाद अपने स्किन को कॉटन की मदद से या कॉटन क्लोथ के मदद से वाइप कर लीजिए। उसके बाद वॉश कीजिएगा, डायरेक्टली वॉश मत कीजिएगा। इससे आपका स्किन का जो टेक्सचर है वो मेंटेन रहता है और ड्राई अप नहीं होता है इजीली। और इस पैक को आप 2-3 बार तो वीक में लगा सकते हो, बहुत इजी पैक मैंने बताया, बहुत ज़्यादा हार्ड पैक नहीं मैं बता रही हूँ, जो मुश्किल से आपको सामान इजीली ही घर पे मिल जाएगा। और मेरे कलर आप देख सकते हो, स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है, ग्लो अप कर रहा है, तो मुझे ये पैक बहुत ज़्यादा पसंद है। थर्ड पैक जो कि है ये मैं विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और मैं भी यूज़ कर ती हूँ, और समर में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस पैक में बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है, आपको कभी इजीली भी मिल सकता है और कभी नहीं भी मार्केट में मिले, इस वजह से मैंने पहले ही 2 पैक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और ये पैक लगाने के बाद अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो वो तो रिमूव हो ही जाएगी, अगर आपको थोड़ी से पिम्पल्स भी हो गए हैं विंटर के टाइम पर तो इससे ये भी रिमूव होने में हेल्प करती है आपके स्किन को बहुत ज़्यादा, स्किन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है ये पैक लगाने के बाद, और साथ ही साथ आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है। तो ये पैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोग ट्राई कर सकते हो विंटर एंड समर मेनली। तो अगर आप लोगों के एरिया में अगर विंटर नहीं आया तो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कर्ड, फुल फैट कर्ड लिया है, जो आप घर पे इजीली बनाते हो वही, उसी को पानी उसमें नहीं रहने देना है। एंड उसके साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। मैंने कहा था ऑरेंज पील पाउडर आपको शायद नहीं मिले, इस वजह से मैं पहले पैक, जिनके पास होगा तो वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, और अभी विंटर के टाइम पे तो ऑरेंज आप लोगों को इजीली ही मिल जाएगा, तो आप लोग इसको ड्राई करके इजीली पैक बना के एंड यूज़ कीजिए। समर के लिए भी आप स्टोर अप कर लीजिए अभी ही बना के, एंड ये पैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको पिंपल्स हो गए हैं तो उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और उसके बाद सेम तरीके से इसको आप, इस पैक को आप 2 मिनट छोड़ने के बाद आप इसको डायरेक्टली पानी से वॉश कर लीजिए, एंड आपका स्किन का जो भी पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम्स होंगे इससे रिमूव हो जाएंगे, एंड आपका स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज लगेगा कर्ड की वजह से। इन सारी तीनों पैकों को आप यूज़ कीजिए विंटर के टाइम पे, और अपने स्किन को हेल्दी रखिए, हाइड्रेटेड रखिए विंटर में, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।